राजस्थान में अब मास्क ना लगाना महंगा पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान सरकार ने विधानसभा में मास्क अनिवार्यता विधेयक पारित करवा लिया है। महामारी संशोधन विधेयक 2020 में संशोधन के तहत अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना या मुंह को ढकना कानून अनिवार्य कर दिया गया है। लिहाजा प्रशासन को सख्ती से लागू कराने का जिम्मा दिया गया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य होने के अलावा सोमवार को हुए सत्र में इसके अलावा अन्य 4 बिल भी गहलोत सरकार की ओर से पारित करवाए गए। वहीं मास्क की अनिवार्यता लागू करने वाला देश का पहला राज्य अब राजस्थान बन गया है। प्रदेश में मास्क की अनिवार्यता का कानून पारित होने के बाद अब सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी होगा। लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक राजनीतिक आम समारोह या जमात में भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि विधानसभा में पारित राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 में संशोधन करने के बाद इसे पारित किया गया है। महामारी को नियंत्रण करने और उसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से मास्क अनिवार्यता कानून लागू होने के साथ नियमों की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। इसमें सामान्य रूप से 200 से 2000 के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। एक बार में कानून का उल्लंघन करने पर सामान्य जुर्माना होगा, जबकि बार बार कानून का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माना राशि से दंडित किया जाएगा। कानून के महत्वपूर्ण प्रावधान तोड़ने पर 10,000 तक का जुर्माना व 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून में सरकार को किसी भी भवन का अधिग्रहण करने, दुकानों को खोलने व बंद करने, राज्य की सीमा सील करने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, राज्य विधानसभा में जहां राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा में संशोधन कर मास्क की अनिवार्यता कानून को लागू किया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।